गुड इवनिंग वेरी वन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्लीज गेट कनेक्टेड फास्ट इन द इवनिंग सेशन ऑफ एनिमल किंगडम और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द फाइलम नीडेरिया फाइलम निडेरिया को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे विद इट्स क्लासिफिकेशन ऑल्सो सो प्लीज़ गेट कनेक्टेड फास्ट एंड शेयर दिस वीडियो लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स बेटा यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू यस वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाइलम निडेरिया मैं आपको जो प्रीवियस क्लासेज है उसकी हिंट दे देती हूँ क्या क्या हमने इसमें डिस्कस किया था निडेरिया से पहले हमने फाइलम पोरीफेरा डिस्कस किया था फाइलम पोरीफेरा के बाद में हमने सीलन ट्रेटा डिस्कस किया था पोरीफेरा की क्लासेस भी डिस्कस की थी उसके बाद में नेक्स्ट था सिलेंट्रेटा ओके एंड सिलेंट्रेटा को भी हमने इसकी क्लासेस के साथ डिस्कस किया था एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द निडेरिया फाइलम ओके सो व्हाट्स आर द फ्यू पॉइंट्स एंड द स्पेसिफिक स्टेप्स इन द निडेरिया ओके फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेंट्रेट्स क्या हैं। सबसे पहले तो यही आता है बेटा कि why these are known as the कि का का नाम क्यों रखा गया था? का जो नाम था वो रखा गया था नीडोज के नाम पे नीडोज मीन होता है स्टिंगिंग सेल या स्टिंगिंग निटल इनकी जो बॉडी वॉल होती है उस बॉडी वॉल के अंदर क्या होता है सिंगिंग सेल होती है जिसको हम निमेटो ब्लास्ट बोलते हैं निमेटो ब्लास्ट विद इन निमेटो साइट ओके एंड दीज आर हेल्प इन द प्रोटेक्शन एंड करेज कैसे अगर इन निडेरियाज को कोई टच करता है इनकी मेराइन uh, बॉडी के अंदर तो ये अपनी जो स्टिंगिंग सेल होती है उसको उसके अंदर से प्रेजेंट फ्लैजलम को निकालते हैं हसीन हेलो बेटा तो उनको निकाल करके प्रोटेक्शन में ये हेल्प करते हैं क्लियर ओके सो व्हाट आर द निडेरिया द नाइम निडेरिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नीडोज विच मीन्स दिटल कैजुअली टैनी निर बहुत सारे areas को जब टच करके देखा गया तो क्या देखा गया इट मेक इट क्लियर हाउ गॉडर नेम वेर निजेक्टेड जैसे उनकी बॉडी को टच करते हैं तो निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो एकदम स्टिंगिंग सेल की तरफ बाहर की तरफ इज्जेक्ट होता है और उनके अंदर होता क्या है एक बारबर्ड थ्रेड होता है बारबर्ड थ्रेड होता है जिसके ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं स्पाइक होते हैं एंड दे हेल्प इन द एनकरेज एंड दे टिप्ड आउट विद पॉइजन और वो बाहर आकर के क्या रिलीज करते हैं द रिलीज पॉइजन ओके राधिका हेलो बेटा गुड इवनिंग नेक्स्ट मैनी थाउजेंड ऑफ द निडेरिया स्पीसीज लिव इन दर्ल्ड ओशियंस अब हम इसके हैबिटेट पर आते हैं कि इनका हैबिटेट कहाँ होता है तो वो कहाँ रहते हैं दे आर लिव इन इन द ऑशियंस फ्रॉम द ट्रॉपिक टू द पोल्स और किस एरिया uh, के ऑशियंस के अंदर मिलते हैं ट्रॉपिक एरिया से पोल्स की तरफ ये मिलते हैं इत का मतलब ये थोड़ा सा जो लो टेम्परेचर वाटर होता है उसके अंदर भी रिजाइड कर लेते हैं ओके नेक्स्ट हेलो महेंद्रा नेक्स्ट एंड अगर इसका एप्टीट्यूड एल्टीट्यूड देखें इनका डेप्थ का तो ये सरफेस से लेकर के बॉटम तक ये नॉर्मली मिल जाते हैं सम इवन बरो बहुत सारे तो जो सी का अंदर बरो होते हैं उनके अंदर बना करके ये रहते हैं स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन द रिवर्स एंड द फ्रेश वाटर लेक्स आल्सो जैसे पीछे के, के केसेस में देखा है तो ये फ्रेश वाटर्स भी हमें मिल जाते हैं द इंक्लूड लगभग कितनी स्पीशीज होती हैं ये स्पीसीज का नंबर आपको काउंट नहीं करना होता जस्ट आपको कंक्लूजन में बता दूंगी कि सबसे छोटा फाइलम सबसे बड़ा फाइलम सबसे बड़ी क्लास कौन सी है बस इतना ध्यान रख लेना उसमें ओके okay? सो so, निडेरियाज के अंदर लगभग नाइन थाउजेंड स्पीसीज होती है एंड मोस्टली दे आर मेराइंस सबसे ज़्यादा वो क्या होते हैं मेराइंस एंड आर इम्पोर्टेंट इन द कोरल रीफ इको इनकी जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है वो किस में होती है कोरल रीफ बनाने में होती है जो सी होता है उस सी के बीच में आइसलैंड लाइक स्ट्रक्चर बनती है दैट इज हेल्प बाय द कॉरल रीफ कॉरल रीफ जो बनते हैं कैल्सिफिकेशन या इसमें सिलिका डिपोजिट से किसके अंदर निडेरियंस की निडेरियंस की बॉडी वॉल के अंदर कैल्शियम के डिपोजिट होता रही खान हेलो बेटा सो so, उनके डिपोजिशन से कॉरल रीफ फॉर्मेशन होती है तो कॉरल रीफ का जो इकोसिस्टम बनता है वो निडेरियाज की हेल्प से बनता है ओके नेक्स्ट फाइलम निडेरिया में और क्या स्पेसिफिक बातें हैं निडेरियाज इनक्रेडिबली डाइवर्स इन द फॉर्म बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं ये एज इवन बाय द कॉलोनियल ये कॉलोनी की फॉर्म में भी मिलते हैं जैसे कि सिफोनोफोर्स इसका एग्जाम्पल है ये मैसिव भी मिलते हैं जैसे कि मेडुजा फॉर्म होती है बॉडी फॉर्म है इसकी अभी डिस्कस करेंगे एंड कॉरल्स मेडूजा और कॉरल जो फॉर्म है वो मैसिव मिलते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं ये कुछ कुछ फैदरी भी होते हैं जैसे कि हाइड्रोइड बॉडी फॉर्म है इनकी एंड द बॉक्स जेलिज फॉर्म में भी ये मिलते हैं हेलो भवानी शंकर एंड विद कॉम्प्लेक्स आईज और इनकी आई जो फॉर्मेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है नेक्स्ट

यूनाइटेड बेस ऑन द प्रिजम्पन दैट देर निमेटो फ्रॉम है सिंगल कॉमन एनसेस्टर मनीष हेलो ओके सो क्या बताया गया है कि जो निमेटो है वो निमेटो एक इनका एक स्पेसिफिक टाइप का कॉमन एनसेस्टर था और वहां से माना जाता है कि इनके अंदर क्या डेवलप हुई है निमेटो के अंदर निमेटो डेवलप हुई थी ओके okay. हेलो मनीष सर नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम निडेरिया क्या क्या फाइलम होते हैं निडेरिया के फर्स्ट अगर हम इसका डिस्कस करें तो निडेरिया को ट्रैम्बले साइंटिस्ट ने ये नोट कर लेना स्टूडेंट्स ट्रेम्बले साइंटिस्ट ने निडेरिया को एनिमल किंगडम में एनिमल किंगडम में क्या दिलवाई थी एक स्पेसिफिक जगह दिलवाई थी ओके okay? और उन्होंने कहा था कि यस दीज करेक्टर्स दैट आर इंक्लूडेड इन आर एनिमल लाइक सो वी हैव टू प्लेस दिस एनिमल किंगडम इनको एक एनिमल की तरह माना गया था क्लियर उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं इनकी बॉडी फॉर्म में अगर हम देखें सबसे पहला जो अगर हम बॉडी फॉर्म जो डिस्कस की है हमने काबेरी हेलो बेटा बॉडी फॉर्म बॉडी so फॉर्म अगर हम देखें इनकी तो बॉडी फॉर्म मैंने अभी डिस्कस किया कोलोनियल भी हो सकते हैं ये मैसिव भी हो सकते हैं और बॉडी फॉर्म इनकी स्पेसिफिक थ्री टाइप की होती है जैसे कि पॉलिप फॉर्म है जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में मेडुजे फॉम है ओके okay, जो मेडुजे फॉर्म होती है वो अम्ब्रेला लाइक -like होते हैं एंड पोलिप मेडुजे एंड ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट ये क्या है इनके ये अलग अलग जोएल्स हैं ये इनकी अलग अलग जोएड्स हैं ओके नेक्स्ट जतिन हेलो बेटा यू आर लेट सो एक से अलग तरह की बॉडी स्ट्रक्चर मिलना इसमें इसीलिए जो निडेरियाज हैं वो क्या शो करते हैं दे आर शोइंग पॉलीमोरफिजम दे आर शोइंग पॉलीमोरफिज्म चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इनकी सिमिट्री के ऊपर सो दे मोस्टली ऑफ़ द निडेरियाज पोसेज रेडियल सिमिट्री इनके अंदर मोस्टली क्या कैसी होती है रेडियल सिमिट्री होती है कैसे अगर इनकी पॉलीफॉर्म है तो पॉलीफॉर्म लिटिल बिट ऐसी होती है तो उसको किसी भी एंगल से काट लो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे तो वो रेडियल होती है और अगर इसकी मैडोजे फॉर्म देखोगे जो लिटिल बिट अम्ब्रेला लाइक होती है तो उसमें भी रेडियल सिमेट्री पॉसिबल होती है ओके रेडियल सिमेट्री और मॉडिफाइड बाई रेडियल सिमेट्री। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बताती हूँ रेडियल और बाई रेडियल में क्या डिफरेंस होता है रेडियल सिमेट्री में एनी प्लेन डिसाइड होता है कि किसी भी प्लेन से हम उसको कट कर देते हैं तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ओके okay, लेकिन बाई रेडियल में एनी प्लेन की बजाय सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? टू होते हैं हैं टू 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 प्लेन 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 हेलो खान ओनली और बाई रेडियल बाइलेट्रल सिमिट्री में सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन होता है कि एक ही प्लेन पास होने से बॉडी को इक्वल डिसाइड कर लेते हैं ओके okay, नेक्स्ट अगर जम लेयर देखें तो वो कैसे होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं मतलब इनके अंदर एक्टोडर्म लेयर होती है और एंडोडर्म होती है ओके और एक्टोडर्म जो होती है वो मॉडिफाई होती है किसमें एपिडर्म में और जो एंडोडर्म होती है इट इज मॉडिफाइड गैस्ट्रोडर्मल टिश्यू लेयर ओके सो so, और इनकी बॉडी के अंदर अगर हमें बताऊँ इनकी बेसिकली जैसे ऐसे स्ट्रक्चर है ये इसकी पॉलीफॉर्म बताएं तो इनकी बॉडी के अंदर ऐसी कैविटी होती है और उस कैविटी को हम बोलते हैं गेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ओके इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम फर्स्ट टाइम इनके अंदर दिखा था और नर्वस सिस्टम के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होती ओनली नर्व सेल्स मिलती हमें दे पोसेज ओनली सिंपल नर्व सेल्स विद ईच अदर ओके स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं नीरोसिस्ट यूज इन डिफेंस फीडिंग एंड अटैचमेंट टू अनदर सरफेस ओके अभी हम इसकी बॉडी वॉल को देखेंगे तो आप इसमें देखना दे हैविंग ए मॉडिफाइड नीरोसिस्ट एंड अटोब्लास्ट ओके नेक्स्ट है निडेरियन प्रोसेस डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद में जो सेल्स होते हैं इनमें बॉडी लेवल जो होता है दैट इज

यहां पे एक्टोडर्म क्या बनाती है इसकी एपिडर्मिस बनाती है यस yes. एंडोडर्म क्या बनाती है गैस्ट्रोडर्मिस पॉइंट टू बी क्लियर ओके और बीच में कनेक्टिव टिश्यू मिलता है जिसको मिजोगलिया बोलते हैं डियर स्टूडेंट एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं मिजोग्लिया के अंदर यहाँ पे सिंपल नर्व सेल्स मिलती हैं सिंपल सेल्स no मिलती है यस नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे आपको मॉडिफाइड इनकी स्ट्रक्चर uh, बताते हैं कि इनकी बॉडी वॉल के अंदर क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बॉडी वॉल ऑफ द निडेरियंस, ओके सो बॉडी वॉल में यू आर ऑब्जर्विंग दिस इज एक्टोडम दिस इज एंडोडम दिस इज मिजोग्लिया ओके एंड लिटिल बिट यहाँ पे मिजोगलिया में अभी भी न्यूरोन सेल नहीं बनाई होती लेकिन आप जब बुक्स वगैरह में देखोगे तो ऐसे दिखती है न्यूरोन सेल्स सिंपल न्यूरोन सेल्स होती हैं ऐसे ओके नो एनी टाइप ऑफ दिस्टम ओनली नर्व सेल्स आर प्रेजेंट ऐसे तो so पहले हम पढ़ते हैं इसके एक्टोडर्म के बारे में सो so इसकी एक्टोडम जो होती है वो एक्टोडम यहाँ पे क्या बना रही है इट फॉर्म द एपीडर यस और इस एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स एपिथीलियो मस्कुलर सेल्स पॉइंट टू बी क्लियर सो वो क्या करती है दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एज वेल एज एक्ट एज ए मसल दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आउटर साइड एज वेल एज द बिहेविंग एज ए मसल कॉन्ट्रेक्शन में भी वो हेल्प करती हैं ओके okay, ये थी यहाँ पे दीज आर द एक्टोडर्मल एपिथीलियल सेल्स ओके एंड फ्यू आर देंसरी सेल्स जो यहाँ से को पकड़ के बीच वाली मिजोगलिया के पास पहुँचाती है और ये डेवलपिंग निमेटोसिस्ट निमेटो ब्लास्ट बना रखी है पॉइंट टू बी क्लियर यहाँ पे दो टर्म है फर्स्ट इज द निमेटोब्लास्ट और दूसरी है निमेटोसिस्ट सो पॉइंट टू बी क्लियर निमेटोब्लास्ट के अंदर निमेटोसिस्ट मिलती है हैविंग निमेटोसिस्ट ओके सो निमेटोब्लास्ट के अंदर ये जो निमेटोब्लास्ट है इस ये इसके अंदर क्या डेवलप होती है निमेटोसिस्ट डेवलप होती है ओके okay? यस yes. ओके okay. इसके बाद में नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स किस में मिल रही हैं निडेरिया की एपिडर्मिस में मिल रही हैं इंटरस्टिशियल जो स्टेम सेल्स होती है उनका काम क्या होता है दे कैन मॉडिफाई दे कैन मॉडिफाई इन टू एनी अनादर टाइप ऑफ सेल एनी अदर टाइप ऑफ सेल वो किसी भी अलग-अलग तरह की सेल के अंदर मॉडिफाई हो सकती हैं पॉइंट टू बी क्लियर ओके सो बॉडी वॉल के अंदर क्या-क्या मिली है इसमें एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स फर्स्ट इज एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स डिस्कस किया हमने इसके अलावा दूसरी इसके अंदर क्या मिलती हैं नीडोब्लास्ट नीडोब्लास्ट या जिसको हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल ओके तीसरी इनके अंदर क्या मिलती हमें अब ये आगे स्ट्रक्चर दे रखा है मैं आगे डिस्कस कर दूंगी इसमें ठीक है ओके okay, इसके अलावा क्या मिलती हैं नर्व सेल्स मिलती हैं एपिडर्मिस में हमें नर्व सेल्स मिलती हैं इसके अलावा एपिडर्मिस में हमें इसके अंदर सेंसरी सेल्स मिलती हैं ओके क्लियर एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द गैस्ट्रोडर्मिस और ये किस साइड होती है सपोज कीजिए ये जो हाइड्रा बनाया हुआ है इसके बीच में यहाँ पे कैविटी मिलेगी और तो इसका मतलब ये जो होगी इसके इधर कैविटी होगी ये खाली जगह है इसके यहाँ से वाटर आएगा और यहीं से वाटर चला जाएगा क्योंकि ऊपर हाइपोस्टोम नाम से एक ही सिंगल कैविटी होती है इनकी बॉडी के अंदर ओके चलिए तो हम अब पढ़ रहे हैं गैस्ट्रोडर्मिस को ओके okay. गैस्ट्रोडर्मिस में क्या होता है गैस्ट्रोडर्मिस में जो बना रखा है ये क्या है दीज आर फूड आर फूड वैक्यूल ओके एंड दीज आर लिटिल बिट न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स दीज आर न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स ओके सो इनका काम क्या होता है जो यहां से ये वाटर आया है इस ये वाटर इधर आया है ना इस वाटर में से प्लैक्टोनिक फॉर्म में फूड को लेना उसको जुडोपोडिया बना करके ये जो सेल है मान लीजिए ये सेल है तो ये फूड को कैसे लेगी ऐसे जूडोपोडिया बनाती है और फिर अंदर से स्क्वीज आउट होकर के वैक्यूल की फॉर्म में बना करके तोड़ लेती है ओके okay, सो so इसीलिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड सेल्स जो होती है इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को शो करने के लिए पॉइंट टू बी नोटेड का मतलब आपको यहीं पे पता चल गया इनके अंदर डाइजेशन कैसा होता है इंट्रा सेलुलर मोस्टली होता है एज वेल एज द एक्स्ट्रा सेलुलर भी मिलता है ओके okay? तो ग्लैंड सेल्स का काम क्या होता है यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज करा नेक्स्ट है गैंगलियो न्यूरो मतलब गैंगलियो न्यूरोन यहाँ दिखा रखा है तो ये किसमें है दीज आर फाउंड इन द ओके एंड द रिंग मसल्स ये कि, किसका में हेल्प करती है ऑफ द गेस्ट्रोशील कैविटी तो यही बीच में यहाँ पे जो कैविटी होगी इसको हम क्या बोलेंगे गैस्ट्रोसील कैविटी ओके ओके चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सो so, यहाँ पे और भी डिटेल में डिस्कस किया गया है तो जो सेल्स होती है एपिडर्मिशेट्रोडर्मिस की वो डिफ्रेंशियट हो जाती हैं नंबर ऑफ द टाइप सेल फॉर द प्रोटेक्शन फूड गैदरिंग कोऑर्डिनेशन मूवमेंट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए और बिटवीन द गैस्ट्रो एंड एपिडर्मिस एंडिडरिया मिलता है और मिजोगलिया जो होता है वो इनके अंदर क्या होता है एक मॉडिफाइड होता है जिसके अंदर न्यूरोनल लेयर भी हमें मिलती है नेक्स्ट वन काइंड ऑफ द सेल करेक्टर इज निडोसिस्ट और जिसकी जो इट प्रोड्यूज दक्चर जिसको नीडी बोलते हैं देखते हैं द नीडा इज ए फ्लूड फील्ड इंट्रा सेलूलर कैप्सूल होता है जो कोल्ड होता है होलो ट्यूब में एंड इट इज ए लिड लाइक अपरकुलम इसके ऊपर कैविटी को जो ढक्कन लगा होता है उसको ओपरकुलम कैप बोलते हैं एंडा निडोसाइड यूजली हैज ए मोडिफाइड सीलियम जिसको हम निडोसिल बोलते हैं और निडोस्टिल को अगर कोई टच करता है से स्टिमुलेट करता है तो ये फोर्स करके अपने वो उस पॉइजनस थ्रेड को बाहर गिरा देते हैं और अगले वाले को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं तो ये है आपके सामने स्ट्रक्चर किसकी निमेटोसिस्ट की स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर मिलती है दे आर फाउंड इन निमेटोब्लास्ट ओके अच्छा मैं आपके सामने यहाँ पे लिखती हूँ निमेटोब्लास्ट एंड निमेटोसिस्ट क्या है तो निमेटोब्लास्ट के अंदर निमेटोसिस्ट मिलती है फर्स्ट दूसरा निमेटोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल है स्टिंगिंग सेल है लेकिन निमेटोसिस्ट तो स्टिंगिंग ऑर्गन है मुस्कान हेलो बेटा उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है वो थर्ड पॉइंट क्या आता है इसमें दोनों में डिफरेंस में कि जो निमेटोब्लास्ट है निमेटोब्लास्ट के पास तो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है इसके अलावा न्यूक्लियस होता है इसके अलावा इसमें निमेटोसिस्ट सिस्ट होता है इसमें और क्या मिलेगा निमेटो सिस्ट मिलता है ये स्ट्रक्चर निमेटोब्लास्ट में होते हैं भाई ये दिख रहा है ये पूरा का पूरा निमेटोब्लास्ट था है ना तो निमेटोब्लास्ट जो डेवलप कर रहा था जिसमें उसमें से बाहर सेल ऐसे बॉडी वॉल में मैंने जो स्ट्रक्चर बताई थी उसमें बाहर क्या थी उसकी सेल मेमब्रेन भी थी उसमें प्रेजेंट उसका साइटोप्लाज्म भी था उसमें प्रेजेंट कोने में उसका न्यूक्लियस भी होता है और उसमें प्रेजेंट होती हैं ऐसे ऐसे बहुत सारी ये निमेटोसिस्ट सो so, अब आते हैं आपके पास निमेटोसिस्ट के पास क्या होता है भाई निमेटोसिस्ट के पास एक ट्यूब होती है कोल्ड ट्यूब जिसको इसको शाफ्ट रीजन भी बोलते हैं इसके पास नीडोसाइट भी होती है इसका ये ये वाली पूरी क्या है निमेटो का न्यूक्लियस दिखा रखा है यानी नि अंदर निमेटोसिस्ट होती है उसके ऊपर उसका ढक्कन होता है जो ये खुल गया है कंप्लीट <coughs> ये क्या है इसके ये स्पाइंस प्रेजेंट हैं ओके इसके अलावा ये जो रीजन है ये इसका शाफ्ट रीजन होता है ये इसका शाफ्ट इसके अलावा यहाँ पे इसके पास रिफ्रेक्टाइल रोड भी होती हैं इस जो इसको दोबारा अंदर की तरफ पैक करने में हेल्प करती हैं इसके अलावा यहाँ पे सपोर्टिंग फाइब्रिल होते हैं इसके पास सपोर्टिंग फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं ओके तो so, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसकी निमेटोसिस्ट की आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं निडोसाइट स्ट्रक्चर एंड निमेटोसिस्ट डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस है कैसे होता है ये निमेटोसिस्ट डेवलप इन द कैप्सूल इन द नीडोसाइट जो निमेटोसिस्ट होता है वो किस में डेवलप करता है निडोसाइट के कैप्सूल में डेवलप करता है कैप्सूल इज कैप्ड एट इट्स आउटर मार्जिन बाय ऑपरकुलर में जो इसकी कैप होती है वो क्या होती है ऑपरकुल्ज दाइको के ऊपर जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो किसके लिए होते हैं डिज आर फॉर द इनिशियन एंड डिस्चार्जिंग नेक्स्टार्जोसिल कितना इसमें होता है ऑस्मोटिक इन्फ्लक्स ऑफ वाटर कॉज निमेटस टू एवरेस्ट फर्स्ट नियर बेस ये सिर्फ मेथड ऑफ इसका ट्रिगरिंग बता रखा है कि कैसे वो ट्रिगर होता है और कैसे अपने शाफ्ट रीजन को ऑपरकुलम को रिमूव करके बाहर निकाल देता है द ट्यूब रिवॉल्व इन नॉर्मल स्पीड इतनी शाफ्ट से वो रिमूव करती है जिसकी वजह से वो उसके अंदर प्रेजेंट अपने बाब्स को और आर्म्स को बाहर की तरफ रिमूव कर देता है ओके okay? नेक्स्ट

इसके अलावा जो अदर टाइप के नीडिया डिस्कवर किए गए थे उनके पास अन आर्म्ड ट्यूब भी होते दैट अराउंड रैप अराउंड द प्रे टेस्टन नहीं होती ब्रेन भी नहीं होता और इवन सेंट्रल नर्व सिस्टम डेवलप नहीं होता इंस्टेड दे हैव डिस नर्व नेट्स किसके अंदर मैंने मिजोगलिया में बताया था कि उनके अंदर न्यूरोनल नर्व प्रेजेंट होती हैं ओके okay?

बिटवीन इनर साइड टू द आउटर साइड ओके हैं फिजिकल कॉन्टेक्ट को वो बाहर के बॉडी के जो फिजिकल कॉन्टेक्ट है उसको टच करने में हेल्प करते हैं और उसको मिजोवलिया तक लाने में वो हेल्प करते हैं ओके एंड द नर्व इन फॉर्मसाइड्स वोम द्रे और अटैक आर डिटेक्टेड एंड वेनिंग it means they also help in coordination between the one site to the other sites. okay so you see they also act as a chemical synapse between the two nido, yes, nid areas okay next as this process is too slow to ensure that the muscle round the rim of a medusa bell contract and simultaneously in the swimming the neuron which control this communicate by the

तो इनकी पूरी की पूरी बॉडी में जो नर नेट होता है वो ऐसे होता है दिस इज ब्यूटीफुल हाइड्रा एंड दैट हैविंग ए वेल डेवलप्ड नर नेट इन देम ओके और ये जो दिखा रखा है ये एक आपको सिंपल एकाइनोडम के अंदर नर नेट दिखा रखा है ये कंपेयर कर रखा है कि सी स्टार हैव द नर नेट इन ईच आर्म कनेक्टेड बाय द रेडियल नर्व टू ए सेंट्रल मेड्रोपोराइट इसके बीच में जो स्टारफिश के बीच में जो सेंट्रली प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं Mediporite ना सो so, ऐसे ही हाइड्रा के अंदर भी इससे भी ज्यादा मॉडिफाई रेडियली फॉर्म में क्या होता है नर्व नेट प्रेजेंट होता है क्लियर ओके okay. <coughs> अभी आपको सिग्नल जो ट्रांसमिशन है नर्व नेट का उसको सेक्शन काट के दिखाया गया है कि कैसे वो मॉडिफाई होता है सो so, ये सी एनिमोन का दिखा रखा है सी एनिमोन इज ऑल्सो इन डेरिया म्यूचुअलिज्म होता है सो so यहाँ पे देखिए इसकी पूरी बॉडी के अंदर नर्व का जेट प्रेजेंट है इसके टेंटिकल्स में भी न्यूरोन सेल्स का नर्व जेट प्रेजेंट है यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर तो आपको और भी ज्यादा डिटेल में सेल की स्ट्रक्चर काट के दिखा रखी कि कैसे डेवलप होता है द नर्व सेल्स और नर्व नेट इट इज मच इनरवेटेड इन दिलियल सेल्स और ये, ये, ये इसके मसल फाइबर हैं और ये आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं एपिथिलियल सेल्स यहाँ पे सिग्नल को रिसीव करती है न्यूरोन को देती हैं और ये मसल जो होती हैं ये किस में हेल्प करती है कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती हैं ओके डिफ्यूजनेस ऑफ दर्व सेल्स टेक पार्थ इन दिंपल रिफ्लेक्स पाथवे इसमें सिंपल रिफ्लेक्स पाथवे होता है जिसकी वजह से सिंपल अगर स्टिमुलस मिलता है तो उसी के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किया जाता है द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स ओके नेक्स्ट अब ये आता है नेक्स्ट फीड कैसे करते हैं मेथड ऑफ फीडिंग इन द नीड नीड एरियाज एरियाज पुल देयर प्रे इ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इनकी बॉडी के बीच में यहाँ पे हाइपोस्टोम होता है माउथ होता है और उससे इनके बीच में कैविटी आती है जिसको हम बोलते हैं इनकी हाँ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में ही ये अपने प्रे को कैप्चर कर लेते हैं ये इनके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं ये एपिडर्मिस ये ये गैस्ट्रोडर्मिस है ये डेड प्रे इसके अंदर कोई आया है और उसको वहां से ये एपिथिलियो न्यूट्रेटिव सेल के हेल्प से उनको पकड़ लेते हैं और उनको फिर वहां पे डिग्रेड कर देते हैं द कैविटी इज द डाइजेस्टिव विद वन ओपनिंग हाइपोस्टोम जिसको बोलते हैं इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे हाइपोस्टोम ओके द डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द सेल्स तो किस तरह का है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर लेकिन जो मॉडिफाइड होते हैं उनके अंदर फ्यू ऑफ द देम आल्सो शो इंट्रा सेलुलर ऑल्सो ओके नेक्स्ट आता है इसमें ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं इंटेग्यूमेंट्री एक्सचेंज होता है इनमें गैसेस का जो डायरेक्ट बॉडी वॉल से मॉइस्चर के थ्रू बाहर बॉडी वॉल में एक्सचेंज कर दिया जाता है एडिकुएट फॉर द स्मॉल एनिमल जैसे कि स्पंज न्यूडेरियाज एंड फ्लैट वॉम में जो इंटेग्यूमेंट्री मेथड ऑफ गैसेज एक्सचेंज होता है वो सफिशियंट होता है ओके सो ये टेंटिकल्स है ये माउथ है माउथ और एन एस सिंगल है के अंदर तो बॉडी वॉल के थ्रू ही इनके अंदर गैसेज का एक्सचेंज हो जाता है ऐसे ही फ्लैट फ्लैटमोम में दिखा रखा है कि जो फ्लैट फ्लैटमोम है वो भी सेम बॉडी वॉल से ही गैसेज को एक्सचेंज करते हैं ओके सो so, ये रेस्पिरेशन दिखा रखा है रेस्पिरेशन कैसे होता है बॉडी ये बॉडी वॉल दिखाई है इनकी दिस इज सिंपल बॉडी वॉल एंड बॉडी वॉल सिंपल हेल्प इन इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट ऑब्जर्विंग इन अमेजिंग वे हाउ द ऑक्सीजन इज गेट विद इन द बॉडी वॉल फ्रॉम द गेस्ट्रोवास्कुलर कैटी ऑल्सो एज वेल एज द आउटर सेम ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज इन द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एज वेल एज द आउटसाइड ऑफ द नेचर ओके मोस्टेरियंस पॉसिस टू बॉडी फॉर्म इन देयर लाइफ हिस्ट्रीज दो मेन बॉडी फॉर्म होती है इसकी में यूजअली जैसे पहली फॉर्म है पॉलिप दो बताई थी मैंने अभी आपको जोएड फॉर्म बताई थी दीज आर जोएड इनके कौन कौन से हैं पॉलिप्स है ओके सो पॉलिप यूजली ए सेक्शुअल होते हैं एंड सेसाइल होते हैं वो मूव नहीं करते वो अटैच रहते हैं बॉडी में जो सी की बॉडी होती है उसके बॉटम में दे आर अटैच टू दबस्टेट बाई एबोरल एंड नीचे वाला जो एंड होता है एंड हैज ए सिलेंड्रिकल बॉडी दट इज नोन एज कॉलम इसका जो ये सिंपल सा रीजन होता है ऊपर इनके टेंटिकल्स होते हैं तो इसको बोलते हैं इसका कॉलम एंड ए माउथ सराउंडेड बाय फूड गैदरिंग टेंटिकल ऊपर की साइड ओके दूसरी फॉर्म जो होती है वो होती है मेडुजे फॉर्म और जो मेडोजे होते हैं वो डायोसियस होती है डायोसियस मतलब इट हैविंग द बोथ इट और ये जो मेडोजे है ये कन्वर्ट हो तो जाती है पॉलिप के अंदर भी बाई सेक्सुअल सेक्शुअल मेथड एंड इट्स शेप जस्ट लाइक इन्वर्टेड बाउल और इसकी शेप अम्ब्रेला जैसी होती है ऐसी जस्ट लाइक लुक लाइक दिस एंड दिस इज द मेडोजा फॉर्म ओके एंड टेंटिकल्स इसके जो टेंटिकल्स होते हैं दे आर हैंगिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द मार्जिन के टेंटेकल्स ऐसे लटकते रहते हैं द माउथ ओपनिंग इज सेंट्रली लोकेटेड इनकी माउथ ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फेसिंग डाउनवर्ड एंड स्विम बाय जेंटल पल्सेशन और ये ऐसे ऐसे क्या करते रहते हैं स्विमिंग करते रहते हैं सी के अंदर ओके नेक्स्ट द मिजोग्लिया इज मोर अबंडेंट इन द मेडुजा इनके अंदर जो मिजोगलिया होता है जिसमें न्यूरोन होते हैं वो मेडुजा में बहुत ज्यादा डेवलप होता है देन द पॉलिप एंड गिविंग द फोमर जेली लाइक पॉइंट टू बी नोटेड इसका मतलब जो जेली जेली फिश फिश है इज प्लेस्ड इन इनिया इट इज नॉट ए फिश ये क्वेश्चन एक बार आया था इसलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ साइकिल इन्वॉल्व द बोथ पॉलिप एंड मेडुजा एक ऐसा निडेरिया जिसकी बॉडी में जिसकी बॉडी शेप पहले पॉलिप थी फिर मेडुजा में कन्वर्ट हो गई या पहले मेडुजा था पॉलिप में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब उसकी बॉडी एक से ज्यादा टाइप की बॉडी फॉर्म दिखा रही है इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीमोरफिजम या अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पॉलीमोर्फिजम या इट इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन ओके सो यू आर ऑब्जर्विंग इन ए वेरी ब्यूटीफुल मैनर हाउ द पॉलिप एंड मेडिजा गेट कन्वर्टेड विद ईच अदर सो दिस इज पॉलिप फॉर्म ओके स्टूडेंट्स द पॉलिप हैविंग अपवार्डली फ्लोटिंग टेंटेकल्स जैसे कि हाइड्रा के अंदर होता है ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है ये बाहर कॉलम है मीजोगलिया अब इससे बडिंग हुई तो बडिंग मेथड कौन सा है एसेक्सुअल तो इसका मतलब पॉलिप ए सेक्सुअल से किस में कन्वर्ट हो जाता है मेडूजा में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस पॉलिप इज गेट अरेन्ज एंड डेवलप इन टू द मेडूजा एंड मेडूजा जो फॉर्म है वो ऐसी होती है मिजोगलिया इसमें ज्यादा डेवलप है दिख रहा है आपको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वो थोड़ी कम है माउथ नीचे की साइड होता है एबोरल एंड की तरफ और इसके जो टेंटिकल्स है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं ओके okay? और अब देखिए अब ये जो मेडुजा है ये एग भी प्रोड्यूस करेगा स्पम्प भी प्रोड्यूस क्योंकि मेडूजा क्या है डायोशियस है और ये एग स्पम्प फ्यूज होंगे ब्लास्टोला बनेगा बनेगा प्लानुला लार्वा बनेगा डीए स्टूडेंट आपको ये भी याद हो गया होगा इनका लार्वा जो होता है उसका नाम क्या होता है प्लेनुला लार्वा होता है ये सेटल हो जाता है फिर किस में कन हो है पॉलिप में तो इसका मतलब इसकी बॉडी फॉर्म में पॉलिप भी आता है फिर मेडूजा बन जाता है मेडूजा पॉल, पॉलिप बन जाता है तो मेडुजा से पॉलिप कैसे बनता है बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके सो इसका मतलब इट इज शोइंग द अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इट शोइंग द अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन एंड दिस इज नोन एज द पॉली ओके नेक्स्ट ये अभी ये मैंने जो आपको लाइफ साइकिल बताई थी ये उसी को ही एक्सप्लेन किया गया है कि लाइफ साइकिल कैसे होती है इस फिगर में आपने क्या देखा अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखा कि मेडुजा और पॉलिप कैसे एक दूसरे में बॉडी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं Dioces, जो मेडूजा था वो गैमिट्स प्रोड्यूस करता है वाटर के अंदर चले जाते हैं वाटर में आपस में अट्रैक्ट होके उनकी फर्टिलाइजेशन होती है आफ्टर दैट ब्लास्टुला बनता है फिर प्लानोला लार्वा बनता है फिर फ्री स्विमिंग प्लानुला बन जाता है और फिर वो सेटल हो जाता है क्योंकि प्लानोला जो जो स्टार्टिंग में पॉलिप बना है वो कैसा होता है इट इज सेसाइल और फिर उससे बडिंग होगी बडिंग से मेडूजा बनता है और फिर पॉलिप बन जाए पॉलिव फिर मेडोजा बन जाए क्लियर ओके okay. सो so, अब पॉइंट कंक्लूजन पे आते हैं मोस्ट ऑफ़ द जो होते हैं वो कैसे होते हैं डायोशियस होते हैं वो स्पम्स एंड एग्स जो होते हैं वो वाटर में चले जाते हैं थ्रू द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड जो एग्स होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर ग्लास्ट्रोल लार्वा बनता है माइग्रेशन ऑन द सर्फेस सेल ऑफ द Uh, जो अब जो एम्ब्रोनल कैविटी होती है वो ब्लास्कुलर लार्वा की वो फिर भर जाती है एंड द एम्ब्रियो इलोंगेट में सिलियेटेड फ्री स्विमिंग लार्वा दैट इज द प्लानुला लार्वा प्लानुला लार्वा जो होता है वो अपने आप को अटैच कर लेता है इंटीरियर सेल्स स्प्लिट बाय फॉर्मिंग गेस्टोवास्कुलर कैविटी और यंग पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है मैडूजा जो होता है नियरली ऑलवेज फॉर्म ए बडिंग फ्रॉम द पॉलिप और पॉलिप से हमेशा मेडूजा जो है वो कैसे बनता है बाय द बडिंग बनता है ओके okay, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि जो निडेरियाज होते हैं वो रीजनरेट कर जाते हैं उनके पास रीजनरेटिंग की भी कैपेबिलिटी होती है ऑल निडेरियाज कैन टू अलोइंग फ्रॉम द इंजरी एंड टू प्रोड्यूस ए सेक्शुअली मेडुजा क्योंकि मेडुजा जो है वो कौन सा मैथड शो करते हैं सेक्सुअल मैथड शो करते हैं ओके okay? बट अ पॉलिप कैन डू सो फ्रॉम कोलेक्शन खत्म नहीं होते क्योंकि उनके पास क्या कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है अब हम आते हैं नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द निडेरिया पे सबसे पहले इसकी क्लास आती है दट इज दाइड्रोजोवा हाइड्रो ओके okay. चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज हाइड्रोजोवा जो होते हैं वो स्मॉल रिलेटिवली कॉमन होते हैं जो जब अभी तक जो हमने आपको कॉमन एग्जांपल्स बताए थे निडेरिया के वो सारे के सारे हाइड्रोजोवा में मिलते हैं मोस्टली मेराइन्स होते हैं ओके okay, लेकिन एक निडेरिया जो क्लास है विद फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव आल्सो

पॉलिप स्टेज इज वेरी स्मॉल होती है इसके अंदर ओके नेक्स्ट तीन ऐसे फीचर्स हाइड्रोजोवा के जो सभी से अलग करते हैं निमेटोसिस्ट आर ओनली इन द एपिडर्मिस, नेक्स्ट, द आर एपिडर्मल एंड आर रिलीज एट आउटसाइड ऑफ द बॉडी वॉल एंड द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड नेक्स्ट द मिजोगलिया इज लार्जली ए सेलुलर मिजोगलिया के अंदर कोई भी इसके अंदर न्यूरोन सेल नहीं होती है पॉइंट बी क्लियर नेक्स्ट मोस्ट हैोजोन हैव कोलोनियल पॉलिप इन विच इंडिविजुअल मे बी स्पेशइज फॉर फीडिंग प्रोड्यूसिंग मेडिजा बाय बर्डिंग और डिफेंस कॉलोनी क्लियर तो इसका मतलब मोस्टली जो है ये कैसे फॉर्म शो करते हैं कोलोनियल शो करते हैं एग्जाम्पल पे आते हैं जैसे कि पहला एग्जाम्पल है इसमें ओबेलिया का ओबेलिया जो है कॉमन मैराइन है प्लेनुला लार्वा जो होता है दैट डेवलप इनटू ए फीडिंग ए फीडिंग पॉलिप दैट इज नोन एज गेस्ट्रोजोइड और हाइड्रेंट ओके इसका मतलब जो ओबेलिया है वो ओबेलिया क्या है एक ऐसा फीडिंग पॉलिफ होता है जो कहाँ से बनता है प्लानोला से बनता है दैट जिसकी जो होती है, उसको हम गेस्ट्रोजोइड बोलते हैं हाइड्रा इसका दूसरा एग्जांपल है कॉमन फ्रेश वाटर हाइड्रोजोन है दैट हैंग आउटसाइड आउट द अंडर साइड एंड द फ्लोटिंग प्लांट इन क्लीन स्टीम एंड ऊपर वो डिपेंड करता है नेक्स्ट हाइड्रा जो है इट लेक ए मेडुजा स्टेज उसमें भी मेडुजा स्टेज नहीं मिलती एंड प्रोड्यूस बोथ ए सेक्सुअल बाई साइड ऑफ द पॉलिप एंड सेक्शुअली मतलब ए सेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों साइड से हाइड्रा जो है वो डेवलप कर रहा पॉइंट टू बी नोट डियर स्टूडेंट्स आपने हाइड्रा के अंदर अभी तक बडिंग पढ़ी होगी सिर्फ कि हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है और जो पॉलिप फॉर्म है वो इससे पॉलिप में बडिंग होती है लेकिन यू आर सरप्राइजिंग हाइड्रा शो ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्स्ट हाइड्रो आर समूज हाइड्रोजोन बिकॉज सेक्सुअलोडक्शन अकर इन द पॉलिप स्टेज एंड ड्यू टू दैट इट कन्वर्टेड इन टू मेडूजे नेक्स्ट द लार्ज ओशियनिक हाइड्रोजोन बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ दिफेनोफोरा इस क्लास के अंदर एक और ऑर्डर बनाया गया है और उस ऑर्डर को बोलते हैं सीफेनोफोरा ऑर्डर ऑफ क्लास हाइड्रोजोवा उसके अंदर इसको प्लेस किया गया है क्या करेक्टर से दीज कॉलोनीज आर एसोसिएटेड ऑफ न्यूमरस पोलिपोड एंड इंडिविजुअल्स दी दैट इंडिविजुअल्सिट प्रोसेस सिंगल लॉन्ग टेंटिकल आर्म विद्योसि फॉर कैप्चरिंग प्रे ओके नेक्स्ट अब हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं ओबेलिया की ये ओबेलिया है पहले इस ओबेलिया को देखिए इसको समझिए अब ओबेलिया में यहाँ पे आपको दोनों फॉर्म दिखा रखी हैं क्या क्या दिखा रखी है ये पॉलिप कॉलोनी है इसके अंदर एंड ये मेडूजा बड बनी हुई है पॉलिप के ऊपर और ये जो पॉलिप है ये पॉलिप ही अब मेडूजा को बनाएगा ये फीडिंग पॉलिप है रिप्रोड्यूसिंग ये, ये फीडिंग टाइप है ये इसकी रिप्रोड्यूसिंग टाइप है अब इससे होगा क्या देखिए रिप्रोड्यूसिंग टाइप से क्या बने गोनेड्स बने हैं अलग अलग और ये किस तरह के बन गए दे आर जस्ट लाइक टाइप ऑफ मेडूजे ओके एंड देर दोनों के दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ द एज द एग फर्टिलाइजेशन होती है ब्लास्टूला बनता है प्लेनुला लार्वा बनता है ये अब क्या बन गया इसका डेवलपिंग पॉलिप जो सेसाइल है और ये कंप्लीट डेवलप हो गया ये, को, ये कैसा है सेसाइल मतलब नॉन मोटाइल है ये तो ये है ओबेलिया ओबेलिया क्लियर नेक्स्ट सो क्या है इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या है वही? कि ओबेलिया को किसमें प्लेस किया गया है ओबेलिया इज प्लेस्ड इन हाइड्रोजोन्स एंड इट शो द अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन विद बोथ फॉर्म पॉलिप एज वेल एज द मेडूज नेक्स्ट इसमें दिखा रखा है इसकी हाइड्रोजोन मेडुजा को दिखा रखा कि इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है ये इसका एबोरल एंड है नीचे वाला ओरल ओरल मतलब जहां नीचे की तरफ इसके क्या होता है माउथ प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स है ओके ये इसकी हार्ड शेल को वैलम बोलते हैं इसके पास चिपकने के लिए एडेसिव पैड होते हैं और इन्हीं इन टेंटिकल्स के ऊपर नीरोसाइड प्रेजेंट होती हैं ओके एंड नेक्स्ट इज द रेडियल कैनाल प्रेजेंट होती हैं एंड देर रिंग कैनाल एंड इट इज शोइंग द स्टमक ऑल्सो ओके और ये पूरे की पूरी जो बीच वाली कैविटी होती है इट इज शोइंग द ये गोनेड्स होते हैं जहां से मेडुज फॉर्म में क्या प्रोड्यूस होते हैं प्रोड्यूस होते हैं क्लियर अब नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजोम दैट इज द ट्यूबुलरिया तो दोनों का दोनों फॉर्म बता है ट्यूबुलरिया लैरिंग्स भी बता रखा है एंड ट्यूबुलरिया इंडिविजिया भी बता रखा है क्लियर भाई तो so, इसको जो ट्यूबलेरिया है ट्यूबलेरिया भी हाइड्रोजोवा के अंदर प्लेस किया जाता है इसको हम पिंक माउथ बोलते हैं पिंक हार्टेड बोलते हैं ओके okay? और ये है ट्यूबलेरिया की लाइफ साइकिल इसमें एडल्ट पॉलिप डेवलप हो रखे हैं और एडल्ट पॉलिप के अंदर बहुत सारे गोनोफोर्स हैं जिससे मेडुजा बनते हैं लार्ज डेवलपिंग गोनोफोर्स और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर लार्वल फॉर्म बन गए जिसको हम बोलते हैं एक्टिनुला लार्वा और एक्टिनुला लार्वा से फिर यंग पॉलिप बन जाता है ओके सो दिस मेडुजा फॉर्म गिव राइज टू द डेवलपिंग पॉलिप ओके लाइफ साइकिल आपके नहीं आती जस्ट मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ ये है फाइजेलिया इस फाइजेलिया का कॉमन नेम होता है पोर्टीज मैन ऑफ वॉर ओके नेक्स्ट दूसरी क्लास है इसकी स्काइफोजोवा और स्काइफोजोवा में जेलीफिशिज आती हैं और जैसे कि एग्जाम्पल ओरेलिया है और ओरेलिया की लाइफ साइकिल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बाद में क्लास क्लास है इसकी नेक्स्ट क्यूबोजोवा ओके और क्यूबोजोवा के अंदर स्पेसिफिक एग्जांपल वही हम इसमें पढ़ेंगे बोथ मेडोजा एज वेल एज पॉलीफॉर्म क्यूबोजोए का स्पीसी बता रखी है इसमें फिर आती है एंथोजोवा एंड दिस क्लास इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंथोजोवा और एंथोजोवा के एग्जाम्पल्स भी बहुत आते हैं जैसे कि सी एनिमोन और हार्मिट क्रैब का एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है इसमें ओके okay? तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद हमें कॉरल्स कैसे बनते हैं और कॉरल्स की एनाटमी क्या होती है ये भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हाउ द कॉरल्स आर गेट सेटल्ड इन दी ओके उसके बाद में कॉरल्स की लाइफ साइकिल देखेंगे कुछ हम एंथोजोन्स के स्पीसीज़ के एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे इकोलॉजी एंड इट्स हैबिटेट इन द सी कम्प्लीट ओके एंड फिर नेक्स्ट आती है इसकी इम्पोर्टेंस ओके okay, बेटा तो ये सब कुछ थोड़ा सा हमारा बचता है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तब तक इसको कंप्लीट आप अच्छे से पढ़िएगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको डिस्कस कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से प्रॉब्लम ले लेना